नमस्ते बच्चों, अपर्णा के खिलौनों में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कौन सी कहानी? अपर्णा ने खुद आपके लिए लिखी है। ये गर्मी का मौसम है ना, और गर्मी के मौसम में हम क्या खाते हैं? आम। तो मैंने आपके लिए एक कहानी लिखी, खट्टा मीठा आम। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी, खट्टा मीठा आम। तो बच्चों, एक बच्ची थी, उसका नाम था निकिता, पर सारे लोग प्यार से उसको क्या बोलते थे? निक्की। तो जब गर्मी का मौसम आया, निक्की के स्कूल में छुट्टी हो गई। निक्की अपने घूमने के लिए नाना नानी के गांव में आ गई। तो क्या हुआ, नाना नानी के गांव में उसको इतना मजा आया। क्यों? वहां बहुत सारे आम जो मिलते थे उसको खाने, रोज ढेर सारे आम। कभी मैंगो जूस पीती थी, कभी मैंगो शेक पीती थी, कभी खाती थी आम का खट्टा खट्टा अचार, कभी मीठा मीठा मुरब्बा, और ऐसे काट काट के आम, तरह तरह से आम। एक दिन निक्की को एक आइडिया आया। वो दोपहर में बैठी बैठी बोर हो रही थी। उसने सोचा, क्या करूं? आइडिया। उसको जब आइडिया आया तो वो अपने काम में लग गई। तभी उसके नाना आए। नाना ने देखा निक्की ने आम को टोपी पहना दी है, आम को चश्मा भी पहना दिया है, और कितना सुंदर सुंदर आम बनाया है। तो नाना समझ गए कि निक्की को आम से बहुत प्यार है। उनने पूछा, निक्की क्या तुमने कभी आम का पेड़ देखा है? निक्की बोली, देखा है, अपने काम में बिजी थी। पर उसने जवाब दिया, बोले, हाँ नाना, मैंने आम का पेड़ देखा है। अच्छा बताओ, कहाँ देखा है, कैसा होता है आम का पेड़? अरे नाना, मेरी जो स्कूल की किताब है उसमें आम का पेड़ बना है, इतना बड़ा होता है, उसकी फोटो इतनी बड़ी है। नाना को हंसी आ गई। नाना ने कहा, अच्छा निक्की, तुमको सच्ची काम का पेड़ देखना है? सचमुच काम का पेड़, वो कैसा होता है नाना? नाना ने कहा, अगर आम का पेड़ सचमुच में देखना है तो कल सुबह सुबह जल्दी उठना और जल्दी उठ के चलना मेरे साथ। पर जल्दी क्यों? क्या आम का पेड़ दोपहर में सो जाता है? नहीं नहीं सोता नहीं है, पर जब दोपहर होगी, तेज धूप होगी, गर्मी का मौसम है, आम के बगीचे में बहुत गर्मी लगेगी तुमको, फिर तुम रह नहीं पाओगे, इसीलिए सवेरे सवेरे जल्दी उठना। निक्की तुरंत बात समझ गई। आम के बगीचे में थोड़ी एसी लगा होगा, वो तो कमरे में एसी होता है। निक्की ने बात मान ली। सुबह सुबह वो जल्दी से उठ के तैयार हो गई और नाना के संग आम का खेत देखने चली गई। नाना बोले, अरे ये आम का खेत नहीं है, इसको कहते आम का बगीचा, और आम के बगीचे का नाम है अमराई। वाव नाना, ये तो बहुत सुंदर नाम है। वहां उसने देखे बहुत तरह तरह के आम, कुछ आम तो नीचे गिरे हुए थे, ग्रीन ग्रीन। उसने देखा, वाव नाना, ये तो बहुत सुंदर है। उसने स्मेल किया, उसको बहुत अच्छा लगा। नाना ने बताया, ये जो ग्रीन आम है ना, इसको कहते कच्चा आम, और ये जो येलो येलो आम है, इसको कहते हैं पका आम। निक्की समझ गई, कच्चे आम का अचार और पक्के आम को ऐसे ही खा जाती है निक्की। नाना ने कहा, कच्चे आम को भी ऐसे खाते हैं नमक लगा के। तभी उसने देखा वहां छोटे छोटे बच्चे कच्चे आम को ऐसे काट काट के दांतों से खा रहे थे। उसकी समझ आ गया। फिर नाना ने कहा, अच्छा तुमको मालूम है ये कौन सा आम है? उसने कहा, ये कौन सा आम है? ये पका आम है। अभी तो आपने बताया कि ये वाला कच्चा आम और ये वाला पका आम। नाना ने कहा, अरे बुद्धू राम, ये पका आम का भी नाम अलग अलग है। कोई सा आम लंगड़ा आम, कोई आम तोता परी, कोई आम बादाम। बादाम दूसरा होता है नाना, इतना इतना सा ड्राई फ्रूट। नहीं नहीं
एक आम को भी बादाम आम कहते हैं। अच्छा देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये जो आम है ना, अरे नाना इसका तो तोते जैसी चोंच है, ये जरूर तोता परी होगा, है ना नाना? उसने कहा हाँ ये जरूर तोता परी है, देखो कितना सुंदर तोता जैसा दिख रहा है। निक्की ने सोचा इसको भी मैं सजाऊं, और देखो कितना सुंदर सजा दिया ना तोता परी को। फिर नाना ने उसको दिखाया ये दशहरी आम, बोले ये देखो ये दशहरी आम है, इसको सूंघो। उसने सूंघा, वाह इसकी स्मेल, और अब इसको सूंघो, डिफरेंट स्मेल है नाना, हाँ इसका स्वाद भी अलग अलग होता है। निक्की निक्की ने समझ लिया, उसने दशहरी आम में भी देखो कैसी नोज लगा दी, जैसे कि तोता परी की नोज हो। फिर उसको नाना ने दिखाया एक बड़ा सा आम, इतना बड़ा, बोले ये जो बड़ा सा आम है ना मोटू मोटू, इसका नाम है बादाम। निक्की को हंसी आ गई, बादाम तो छोटू छोटू होता है और ये मोटू मोटू है। फिर नाना ने उसको दिखाया ये लंगड़ा आम, ये वाला, इसको सूंघो। नाना इसमें तो सबसे तेज स्मेल है, हाँ इसका नाम है लंगड़ा। पर इसको लंगड़ा क्यों कहते हैं? नाना ने कहा वो कहानी बाद में सुनाऊंगा, पहले देखो माली अंकल ने तुम्हारे लिए कितने सारे आम ला कर दिए हैं। निक्की ने देखा, वाओ माली अंकल ने तो आज बहुत सारे आम दिए हैं। उसने कहा थैंक यू माली अंकल। फिर निक्की बोली पर नाना हमको तो भूख लग रही है। नाना बोले चलो अब घर चलते हैं। लौटने लगे, रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ दिखा। निक्की ने देखा ये क्या है, उसकी एक डाल पड़ी थी नीचे, निक्की ने वो डाल उठाई, बोली नाना इसमें तो कहीं भी आम नहीं लगा है। नाना बोले अरे बुद्धू ये तो नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ में थोड़ी आम होता है, पर नीम का फल तो मैंने नहीं खाया, ये हमारे यहाँ नहीं मिलता। नाना बोले नीम नहीं खाते हैं, नीम की दूसरी चीजें होती है, नीम के पत्ते, नीम की छोटी छोटी निम्बोरी, वो दूसरी चीज है, और ये आम दूसरा है, अलग अलग पेड़ का अलग अलग फल होता है। अच्छा तो नीम का फल भी खाते हैं? तो फिर नीम कटवा दो आप। क्यों क्यों कटवा दे? उसकी जगह आम लगा लो नाना, फिर आपके घर और सारे आम हो जाएंगे। अरे बुद्धू हर पेड़ की अपनी अपनी वैल्यू होती है, पर्यावरण के लिए सारे पेड़ों का होना जरूरी है। वो देखो एक कांटे का पेड़, निक्की ने दूर से देखा उसमें इतने बड़े बड़े कांटे थे, ये कैसा पेड़ है, ये तो खतरनाक है। हाँ पर इसकी भी अपनी जरूरत है, सब पेड़ों के अपने अपने काम होते हैं, वो मैं तुम्हें फिर सुनाऊंगा, अभी हम लोग घर चलते हैं। निक्की को बात समझ आ गई, क्योंकि उसने भी तो क्लास में पर्यावरण पढ़ा था ना, तो फिर वो बोली ठीक है नाना, वो नाना के संग घर चली गई। बाय बाय, कहानी खत्म हो गई, पर भूलना नहीं अपर्णा के खिलौने याद रखना। अच्छो बाय बाय।